आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। शगुन मैरिज गार्डन में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने कहा, विश्व विख्यात पंडित प्रदीप मिश्रा ने इसके पूर्व शिवकथा में पंडाल में पंडित मिश्रा ने शिव भक्तों को दिलाई रायसेन दुर्गा के मंदिर के तालों में कैद सोमेश्वर महादेव की रिहाई के लिए दिलाया संकल्प। केंद्र की मोदी सरकार मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से कैद में शिवलिंग की रिहाई के लिए उठाई मांग। प्रदीप मिश्रा ने मंच से केंद्र की मोदी सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मामा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से रायसेन के ऐतिहासिक किले स्थित सोमेश्वर महादेव सालों से तालो जंजीरों की बेड़ियों में कैद है, शिव मंदिर के ताले खोले जाने के लिए पहल करते हुए शिव भक्तों को संकल्प दिलाया। केंद्र प्रदेश की सरकार से मंच से अपील भी की कि बरसों से तालों में कैद सोमेश्वर महादेव की रिहाई का अब समय आ चुका है, ताकि शिव भक्त नियमित उपासना पूजन आरती कर सके। उल्लेखनीय है कि साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि के त्यौहार पर शिव मंदिर के पट सुबह 6 से शाम 6 बजे खुलते हैं। यहां वार्षिक मेला भी लगता है। बाद में सोमेश्वर धाम शिव मंदिर के ताले डालकर SDM तहसीलदार रायसेन जिला कोषालय के दफ्तर में चाबी रख देते हैं। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 11 अप्रैल को साध्वी उमा भारती अगर रायसेन नगरी से किले पर शिव अभिषेक करने आ रही हैं तो उनका स्वागत है, वे भी इस अभियान में अपना सहयोग दें। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रायसेन से शिवलाल यादव की रिपोर्ट। पट खुल जाएगा तब एक बार रायसेन जरूर आऊंगा, बाबा को दर्शन करने के लिए, नर्मदा जी का जल। उमा जी 11 तारीख को आ रही हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है 9 बजे 11 तारीख को सुबह 9 बजे जलाभिषेक करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शीघ्र अतिशीघ्र पट खुले। मैं 11 को तो यहाँ नहीं हूँ, हरिद्वार रहूँगा। बाबा से यही निवेदन है कि जल्दी से बाहर निकले। रायसेन कैसा लगा गुरु जी आपको, रायसेन की जनता कैसे लगी? भगवान की स्थापना मैंने वो कलेक्टर तत्कालीन ने की है, किसी ने नहीं की। मुड़िया खेड़े संघ बना, आदिवासी संघ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। शुक्ला जी से एक दिन की मैंने परमिशन ली।